हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी वाला। मेरा नाम है गौरव। श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के हिसाब से हम मॉडल आंसर देख रहे हैं। जनरल स्टडीज़ का पोर्शन हमने कल कवर किया था, आज जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करते चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इन एमएस एक्सेल फॉर इंसर्टिंग फॉर्मूला इन एनी सेल वी स्टार्ट विथ डैश ऑपरेटर। ये आपका क्वेश्चन था। ऑप्शन दिया हुआ था इक्वल्स टू, एरो, डॉलर या स्टार। सही इसका आंसर रहेगा ए, इक्वल्स टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है, विच थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर। मेडिकल डायग्नोसिस, इंटरनेट, पेंटिंग, फिशिंग, इनमें से आपको बताना था विच थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर। सही इसका आंसर रहेगा बी, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट बिना कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं है। मेडिकल डायग्नोसिस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, लेकिन इंटरनेट बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं होगा। 68th क्वेश्चन लेते हैं। 68th क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, विच ऐप वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर COVID-19। 68th क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, इनमें से आपको बताना था, सही इसका आंसर रहेगा ए, आरोग्य सेतु। ठीक है, ऐप पूछा था लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर COVID-19, इसका सही आंसर रहेगा ए, आरोग्य सेतु। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अवस्थ, पिकहिल, मैकैफे या कैस्पर स्काई, इनमें से आपको बताना था कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सही इसका आंसर को देखने को मिल जाएगा सी, ऑल। जितने भी हैं, जो आपका अवस्थ है, क्विकहिल है, मैकैफे है, कैस्पर स्काई है, एक एंटीवायरस है। सही इसका आंसर रहेगा सी, ऑल। ठीक है, 70 क्वेश्चन लेते हैं। एमएस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ विच कैटेगरी। वर्ड प्रेस, वर्ड ट्रांसलेटर, वर्ड मैनेजर या वर्ड प्रोसेसर। 70 का सही आंसर रहेगा, देखा जाए तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, सही इसका आंसर रहेगा डी, वर्ड प्रोसेसर। 71st लेते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ अनसॉलिसाइटेड ईमेल। स्पैम या बैकबोन, न्यूज ग्रुप या यूजनेट, इनमें से आपको बताना था। 71st का सही आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं स्पैम, ए, स्पैम इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 72nd लेते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज अप टू डैश ऑफ डेटा। 700 MB, 4.7 GB, 25 GB या 1 TB, इनमें से आपको बताना था। सही इसका आंसर रहेगा 700 MB। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें से आपको बताना था इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर या USB। 73rd का सही आंसर देखने को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। 73rd का ए सही होगा। 74th देखते हैं, विच वन इज शॉर्ट की फॉर डिस्प्लेइंग द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन मोड इन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। F1, F3, F5, F7। सही इसका आंसर रहेगा 74th का सी, F5। ठीक है, F5। चलिए 75th क्वेश्चन लेते हैं, विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। पॉइंटर, ब्लूटूथ स्पीकर, लाइन प्रिंटर या OCR। 75th का सही आंसर रहेगा OCR। OCR देखा जाए तो इसका सही आंसर रहेगा। इसमें पूछा था विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मॉनिटर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, लाइन प्रिंटर है, OCR नहीं है। ठीक है, सही इसका आंसर रहेगा डी, OCR। 76 कंसिडर करते हैं, सेलेक्ट द फील्ड वेयर कंप्यूटर कैनॉट बी यूज फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन था आपका डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट सर्फिंग, ई कॉमर्स या कारपेंटर शॉप। सही इसका आंसर रहेगा डी, कारपेंटर शॉप। 77th लेते हैं, URL स्टैंड फॉर, इनमें से आपको बताना था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर। सही इसका आंसर रहेगा 77th का ए, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, 78th लेते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। स्लो परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंस क्रैशेस, मिसिंग फाइल या स्टोरेज स्पेस शॉर्टेज। इनमें से आपको बताना था। 78 का सही आंसर रहेगा, ये जितने भी हैं देखा जाए तो सिम्टम्स है कंप्यूटर वायरस के, स्लो परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट क्रैशेस, मिसिंग फाइल एंड स्टोरेज स्पेस शॉर्टेज। चलिए आगे देखते हैं, 79th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द
ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? 79 का सही आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, 80 क्वेश्चन लेते हैं। 80th में हम, विथ अ डीवीडी वी यूज डैश लेजर बीम टू रीड एंड राइट द इंफॉर्मेशन, ग्रीन, ब्लू, रेड या पर्पल? 80 का सही आंसर रहेगा रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, साउंड, एनिमेशन, वीडियो डिलीवर्ड बाई कंप्यूटर ऑन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड मल्टी मीडिया, हाइपर मीडिया, विजुअल मीडिया या नन ऑफ द अबव? 81st का सही आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं मल्टी मीडिया, ए मल्टी मीडिया। 82nd का लेते हैं। विच प्रिंटर कैन प्रिंट इन ओनली अ फ्यू फॉन्ट, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या नेटवर्क प्रिंटर? 82nd का सही आंसर रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 83rd लेते हैं। विच वन इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से आपको बताना था मैक ओएस, Ubuntu, विंडो या MS DOS? 83rd का सही आंसर रहेगा बी Ubuntu। ठीक है, बी Ubuntu इसका सही आंसर रहेगा। 84th है, सेलेक्ट इनपुट डिवाइस फॉर गिवन ऑप्शन ऑफ कंप्यूटर, इथरनेट, टच पैड, वाई फाई डिवाइस या L2 स्विच? इनमें से आपको बताना था। 84th का सही आंसर रहेगा बी टच पैड, इनपुट डिवाइस को सेलेक्ट करना था। ठीक है, बी टच पैड इसका सही आंसर रहेगा। 85th क्वेश्चन को लेते हैं। डीवीडी स्टैंड फॉर, इन सभी ऑप्शंस में से बताना था डीवीडी किसके लिए स्टैंड करता है। सही इसका आंसर रहेगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन को कवर करते हैं। चलिए 86th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, अरेंज करना है इसको, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, अगर इसको सही अरेंज किया जाए तो इसका सही आंसर बनेगा, 86 का सही आंसर बनेगा सी, मतलब 35142 सी। सबसे पहले देखा जाए तो अराइवल होता है, उसके बाद 5 इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, 4 डिस्कशन होता है और लास्ट में जाके रिकमेंडेशन आता है। 86 का अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा सी 35142, इस सीक्वेंस ये सही होना चाहिए। 87th का क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो, द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी विदाउट री ट्रेसिंग फ्रॉम यू एंड और वी, इनमें से आपको बताना था, ये दिया हुआ था, ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे 3, 6, 9, 18। ठीक है, आपका क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी विदाउट रिट्रेसिंग फ्रॉम यू एंड और वी, 87th का आपको सही आंसर मिल जाएगा। 87th का सही आंसर मिलेगा, टोटल 18 है। ठीक है, डी 18 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, 88th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑफ द थ्री नंबर द फर्स्ट इज 4 times द सेकेंड एंड 3 times द थर्ड, ये दिया हुआ था। इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री नंबर इज 95 देन द थर्ड नंबर, इनमें से आपको बताना था 57, 76, 38 या 60, 88 का सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर 60 आएगा। ठीक है, डी 60 इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एम एन एन हैव चिल्ड्रन ए एंड बी, वन मेल एंड अदर फीमेल, दिया हुआ था। एफ इज स्पाउस ऑफ बी, टी इज चाइल्ड ऑफ एफ, टी इज सन इन लॉ ऑफ एन, के इज किड ऑफ पी एंड हु इज द मेल चाइल्ड ऑफ एम एन एन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑप्शन था बी, ए, नन ऑफ दी अबव या कैन बी डिटरमाइंड। 89th क्वेश्चन में हम, इसका सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ए, देखा जाए तो बी। इसमें पूछा था हु इज द मेल चाइल्ड ऑफ एम एन एन, इसका सही आंसर रहेगा बी है। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन को लेते हैं। वट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiom रिटर्न इन हल्बी लैंग्वेज, ठीक है, ये लिखा हुआ था, इसका मीनिंग बताना था, इसका एम्बिगस आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ए है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा कंसिडर करिएगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चेक करिएगा। 19 क्वेश्चन का मेरे हिसाब से ए रहना चाहिए, इसको एक बार चेक करिएगा। 91st क्वेश्चन को लेते हैं। 91st क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फॉलोइंग फिगर एज इट पार्ट, ये फिगर दिया हुआ था और इसे ये सब ऑप्शंस दिए हुए थे, इनमें से आपको बताना था। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फिगर आपको बताना था, कंटेन द फॉलोइंग फिगर एज इट पार्ट, तो 91st का सही आंसर हो जाएगा ए, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
92nd है आउट ऑफ 120 स्टूडेंट इन स्कूल, 5% कैन प्ले ऑल थ्री गेम, क्रिकेट, चेस एंड कैरम. इफ सो हैपन देन द नंबर ऑफ प्लेयर हु कैन प्ले एनी टू गेम इज 30. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन प्ले द क्रिकेट अलोन इज 40. वट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले चेस अलोन एंड कैरम अलोन. ठीक है, 92nd क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था 45, 44, 46, 24, 90. सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 44. ठीक है, 92nd का बी आंसर सही होना चाहिए, सही इसका आंसर रहेगा 44. चलिए 93rd क्वेश्चन को लेते हैं. दिया हुआ था इफ फ्रेंड इज कोडेड विथ, इससे फ्रेंड को इस हिसाब से कोड किया गया है, देन कैंडल इज रिटन इन व्हाट कोड. 93rd में पूछा था अगर फ्रेंड को इसमें कोड किया गया है तो कैंडल का कोड क्या निकल के आएगा. देखा जाए तो अगर इसको कोई डी कोड करता है इसका सही आंसर निकल के आना चाहिए ए. EDRIRL सही इसका आंसर ए रहना चाहिए. 94th को लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर इज 5% पर एनम इज ₹122. फाइंड द सम, सम फाइंड करना था इसमें. ठीक है, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 में से 94th का सही आंसर रहेगा. इजी था ये, 16,000. 94th का सही आंसर 16,000 रहेगा. ठीक है, 95th क्वेश्चन में मूव करते हैं. ठीक है, टू पोजिशन ऑफ अ डाइज आर शोन, दिया हुआ है बिलो. विच नंबर विल अपियर ऑन फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 5. दो पोजिशन दिए हुए थे 95th नंबर में. ऑप्शन दिया हुआ था 2 या 6, 2, 6, 4. 95th का सही आंसर रहना चाहिए सी, 6. ठीक है, सी, 6 इसका सही आंसर रहना चाहिए. चलिए 96th क्वेश्चन को लेते हैं. इन द पिक्चर बिलो विच लेटर विल बी यूज इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ था 96th क्वेश्चन का. देखा जाए तो ऑप्शन दिया हुआ था ओ, पी, जेड, एफ. 96th क्वेश्चन का सही आंसर इसका रहना चाहिए कौन सा, 96 का सही आंसर ए होना चाहिए, ओ. ठीक है, देखा जाए तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था यहाँ पर ओ आएगा, ए, ओ इसका सही आंसर है. 97th क्वेश्चन को लेते हैं. दिया हुआ है इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशन, ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, 23, 31, 27, 28. इन सभी ऑप्शंस में से बताना था, इसका सही आंसर रहना चाहिए ए, 23. ए 23 इसका आंसर रहना चाहिए. चलिए 98th क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर, ए बी सी डी ई एफ, दिया हुआ था ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, बी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, हु इज ई रिलेटेड टू, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, पूछा था ये. ऑप्शन था सिस्टर, डॉटर, कजिन, मदर. ठीक है, 98 का सही आंसर रहना चाहिए बी, डॉटर. ठीक है, बी डॉटर इसका सही आंसर रहना चाहिए. 99 क्वेश्चन को लेते हैं. पूछा था आइडेंटिफाई द फिगर दैट कम्प्लीट्स द पैटर्न. ठीक है, ये पैटर्न दिया हुआ था और देखा जाए तो फिगर को आइडेंटिफाई करना था जो पैटर्न को कम्प्लीट करेगा. 99th का सही आंसर रहना चाहिए जो ये पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है डी. ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहले एक स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, उसके बाद फिर एक बड़ा सर्कल है, तो डी जो पैटर्न है वो देखा जाए तो सही पैटर्न बन के आएगा, डी इसका सही आंसर रहेगा. चलिए 100th क्वेश्चन को देखते हैं. अ डाइस विथ 6 फेस इज मार्क्ड विथ 6 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली. दिस डाइस इज रोल 3 टाइम्स एंड 3 पोजिशंस आर सोन. ये 3 पोजिशन दिखाए हुए हैं. ठीक है, इसमें पूछा है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1, 2, 6, 5, 4. इन सभी ऑप्शंस में से पूछा है. ठीक है, इसका सही आंसर रहना चाहिए सी, 5. ठीक है, सी, 5 इसका सही आंसर रहेगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज. सीरीज दिया हुआ था 8, 27, 125, 343, 1728. इसमें बोला था फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज. ऑप्शन था आपका 27, 8, 343, 1728. रॉन्ग सीरीज फाइंड करने बोला था, डी इसका सही आंसर रहना चाहिए 1728. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट डेसिमल ऑफ एन आर इज सेकेंड. इन सभी ऑप्शंस में से पूछा था.
102nd का सही आंसर रहना चाहिए सी, ठीक है, 0.00027 सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए 103rd को लेते हैं। वॉट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 132, 156 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, 210, 240, 272। 103rd का सही आंसर रहना चाहिए 182 इसका सही आंसर रहना चाहिए। चलिए 104th को लेते हैं। पूछा था इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर, 729 मीन्स पिक्चर एंड फेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिट स्टैंड फॉर सी। इन सभी ऑप्शंस में से पूछा था 9, 8, 1 या 2। 104 का सही आंसर रहेगा देखा जाए तो बी, 8, ठीक है, बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए 105 को देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स ट्रूथ इज एटर्नल, 7C 9A 8B 3A मीन्स एटर्निटी इज एनमिटी इज नॉट एटर्नल, 9A 4D 2B 8B मीन्स ट्रूथ डज नॉट पेरिश, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एनमिटी इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, इसका सही आंसर देखा जाए तो एक क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके दो आंसर निकल के आ जाएंगे सी और डी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा कंसिडर करते हुए चलेगा, इसको चेक करिएगा। चलिए 106 क्वेश्चन को लेते हैं। इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 225 एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5, इफ वन ऑफ द नंबर इज 25 देन द अदर नंबर विल बी 75, 65, 15, 45। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना था, सही इसका आंसर निकल के आएगा 45, ठीक है, 45 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा सीरीज दिया हुआ था, पूछा था रेफरिंग टू द अबव सीक्वेंस वॉट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, LA UJ YI EG क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, सही इसका आंसर बनना चाहिए 107 का CQH इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखा जाए तो ये दिया हुआ था, इसमें पूछा था हु इज द ऑथर ऑफ छत्तीसगढ़ी सॉन्ग। इन सभी ऑप्शंस में से देखा जाए तो ये जो सॉन्ग था, हु इज द ऑथर ऑफ दिस छत्तीसगढ़ी सॉन्ग पूछा था, 108 का सही आंसर रहेगा पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा डी, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। 109 को लेते हैं। इफ पी इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ था, क्यू इतना दिया हुआ था, आर इतना दिया हुआ था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा था ABCD ऑप्शंस में से, 109 का सही आंसर रहना चाहिए आर, ठीक है, आर बी इसका सही आंसर रहना चाहिए, मतलब आर इज स्मॉलर देन क्यू, क्यू इज स्मॉलर देन पी, पी इसका सही आंसर रहना चाहिए। चलिए 110 को लेते हैं। व्हाट नंबर कम्स इनसाइड द सर्कल, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, इसमें पूछा था कौन सा नंबर आना चाहिए, ऑप्शन था आपका 5, 1, 9, 6, सही इसका आंसर मेरे हिसाब से रहेगा 6, ठीक है, डी 6 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंदुल असन बिंदुल असन फॉर देख सिंदूर असन, ये जनौला दिया हुआ था, ऑप्शन था आपका मूंगा, मछरी, मिर्ची, खीरा, ठीक है, इसका मेरे हिसाब से सही आंसर रहेगा बी, मसरी, आप इसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है, जनरल दिया हुआ था, इसका सही आंसर मेरे ख्याल से बी रहना चाहिए। चलिए 112 का देखते हैं। इसमें दिया हुआ था इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर, इस हिसाब से लिखा गया है, हाउ विल मेडिसिन विल बी रिटर्न इन दैट कोड, ऑप्शन दिया हुआ था ABCD ऑप्शन में से। 112 का देखा जाए तो जिस पैटर्न के हिसाब से सॉल्व होता है, 112 का सही आंसर बनना चाहिए डी, EOJEJEFM, ठीक है, 112 का सही आंसर रहना चाहिए डी। चलिए इसका हम देख चुके थे, इसका सही आंसर डी 6 बन रहा था, इसका तो मसरी था, और 112 का सही आंसर डी था, ये हमने देख लिया है। अगला पढ़ते हैं। अगला सेक्शन देखा जाए तो हिंदी का है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए 113 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका हाथ धोकर पीछे पढ़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना था, सही इसका आंसर रहना चाहिए देखा जाए तो, सही इसका आंसर रहना चाहिए बी, ठीक है, बी इसका सही आंसर रहेगा 113 क्वेश्चन का। चलिए 114 पढ़ते हैं। मगही शब्द है, इनमें से आपको बताना है
तद्भव है, तत्सम है, देसी है या विदेशी है? 114 का सही आंसर रहेगा तत्सम है, ठीक है, तत्सम है 115 का है। छत्तीसगढ़ में पर पर्षक के उपयोग कौन कारक माँ होते, इनमें ये क्वेश्चन था आपका, संबंध कारक, संप्रदान, अपादान या कर्म कारक? सही इसका आंसर रहना चाहिए बी, संप्रदान कारक। चलिए 116 पढ़ते हैं। आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा आपको बताना था, ठीक है, अपना बाल खींचना, बाल काला करना, बाल बाल बचना या बाल की खाल निकालना? सही इसका आंसर रहेगा डी, बाल की खाल निकालना, ठीक है। 116 क्वेश्चन में हम 117 क्वेश्चन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बहु वचन वाची मन कौन भाले आए हैं, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन दिया हुआ था उड़िया, मराठी, गोंडी या बंगाली? सही इसका आंसर रहेगा बी, मराठी। चलिए आगे है, गुण संधि का उदाहरण है, इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना था गुण संधि का उदाहरण, सही इसका आंसर रहना चाहिए डी, देखा जाए तो वार्षिक उत्सव गुण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीन पनिया में कौन सा समास है, पूछा था आपसे, कर्मधारक, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद? सही इसका आंसर रहना चाहिए सी, द्विगु समास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रसाल शब्द का अर्थ बताना था, केला, आम, संतरा, नींबू? सही इसका आंसर रहेगा बी, आम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 121st क्वेश्चन में हम, ठीक है, इसका आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 121st और 122nd का आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, मैं उसका श्योर नहीं हूँ तो उसका मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है। तब तक हम 123वां क्वेश्चन को लेते हैं। मधुर व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना था, जो आपका मूर्धन्य यानी व्यंजन संधि था उसका उदाहरण, उच्चारण, संकल्प, संगत या प्रणाम? सही इसका आंसर रहना चाहिए, देखा जाए तो डी, प्रणाम, ठीक है, एक बार चेक करिएगा इसको। 124वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताना था, गुरई के गठरी होना, ठीक है, देखा जाए तो 124वां क्वेश्चन का सही आंसर रहना चाहिए सी, सी इसका सही आंसर रहना चाहिए। और 125वां क्वेश्चन में था, निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वर्तिनी वाला शब्द है, कवित्री, ये सब दिया हुआ था ए बी सी डी ऑप्शंस में से, सही इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है, 125वां का सही आंसर रहेगा सी। चलिए आगे देखते हैं, 126 को देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेनरी, पब्लिश, परफॉर्म, प्रीवियस, पॉवर्टी? 126 का सही आंसर रहेगा डी, पॉवर्टी, ठीक है, सिनोनिम बोला था डी, पॉवर्टी इसका सही आंसर रहेगा। 127th क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सूटेबल प्रिपोजिशन, नो बडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल डैश द लॉस कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, फ्रॉम, टू, फॉर या ऑफ? इन सभी ऑप्शंस में से सही आंसर रहेगा सी, फॉर, ठीक है। 128th है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, वाइल क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ, इट वेंट डैश किलिंग हिज फ्रेंड, बाई, ऑफ, ऑन, एट? 128 का सही आंसर रहना चाहिए ऑफ, बी, ऑफ इसका सही आंसर रहेगा। 129th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल, डैश टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच द, एंड, ए, द, नन ऑफ द अबव? 129 का सही आंसर रहना चाहिए दी, टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच द, दी टू ब्रदर्स, ठीक है। चलिए 130वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चूज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गिवन नाउन, नन, मास्टर, मॉन्ग, सिस्टर या ड्यूक? 130th का सही आंसर रहेगा बी, मॉन्ग। चलिए आगे है, द क्राउड विल गो बैक डैश सी द परफॉर्मेंस, चूज द करेक्ट वर्ड, अंटिल, बिकॉज, ऑल्दो, येट? सही इसका आंसर रहना चाहिए अंटिल, द क्राउड विल नो नॉट गो बैक अंटिल सी द परफॉर्मेंस। चलिए चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज मे बी केप्ट, ठीक है, यहाँ थोड़ा कटा हुआ है, इसका ऑप्शन था कॉन्वेंट, रेस्ट रूम, क्लॉक रूम या डॉर्मेट्री, ठीक है। अ रूम इन द पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और द लगेजेस वेयर केप्ट, सही इसका आंसर रहना चाहिए क्लॉक रूम, ठीक है।
क्लॉक रूम। चलिए 133rd, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना था, देखा जाए तो वैक्यूम है, इसका सही स्पेलिंग क्या निकल के आएगा वो बताना था। सही इसका आंसर रहेगा डी, PACWM, डी वैक्यूम इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड डिटोरिएट। ऑप्शन था वर्सन, इम्प्रूव, इम्पेयर या डिक्लाइन। 134th का सही आंसर रहना चाहिए इम्प्रूव। एंटोनिम बताना था, डिटोरिएट दिया हुआ था उसका एंटोनिम बताना था, सही इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है, इम्प्रूव। 135th क्वेश्चन को लेते हैं, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, इनमें से आपको बताना था। 135th का सही आंसर रहेगा, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। अगला पोर्शन कवर करते हुए चलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। 136 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिया हुआ था आपका क्वेश्चन। ऑप्शन था आपका रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिस्प्यूट, वोकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर या फैक्ट्री। 136 का सही आंसर रहेगा सी, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर। 136 का सही आंसर रहेगा सी। 137 को लेते हैं, एज पर द कोड ऑफ वेजेस 2019 फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन एंड रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ऑप्शन था आपका स्किल एम्प्लॉय, अनस्किल एम्प्लॉय, सेमी स्किल एम्प्लॉय या फुल स्किल एम्प्लॉय। 137 का सही आंसर रहेगा डी, फुल स्किल एम्प्लॉय, डी फुल स्किल तो इसका सही आंसर रहेगा। 138 क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेजेस। ऑप्शन था आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46। 138 का सही आंसर रहेगा आर्टिकल 43। 138 का सही आंसर ए, देखा जाए तो आर्टिकल 43 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, What shall not be considered as deduction for wages as per the section 18 clause 1 clause B of code on wages? Options are aapka the withholding or stoppage of increment or promotion, the reduction of low time scale or post, A or B dono ya neither A or B. 139th ka question tha, sahi iska answer rahega yeh hai to withholding, stoppage or increment of promotion. Theek hai, chaliye agla question hai, in which year The voluntary compliance scheme under various labor laws has been notified in the state of India. Option था आपका 2015, 2016, 2017, 2018. सही इसका आंसर रहना चाहिए डी, 2016 इसका सही आंसर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, In which of the following case the Supreme Court of India observed whatever is the needed to facilitate the birth of child to a woman who is in the service, The employer has to consider and sympathize towards her and must realize the physical difficulty with a working woman whose face is performing her duties at the workplace carrying a baby in the womb and while rearing up the child after birth. ये दिया हुआ था, देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ था Cox and King Agent Limited versus their Worksmen, Corporation of City of Nagpur versus its employee, Municipal Corporation of Delhi versus Female Worker Muster Roll या महालक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड versus their worker। ये देखा जाए तो 141 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी, Municipal Corporation of Delhi versus Female Worker Muster Roll, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 142nd है, वोकेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 हैज कंसॉलिडेटेड। ऑप्शन था आपका द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। 114 सही आंसर रहेगा ए, द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1970, ठीक है। 142nd का सही आंसर रहेगा द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1970। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 डील्स विद द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एडोलेसेंट। सेक्शन 10, 11, 12, 13।
143rd का सही आंसर रहेगा सेक्शन 13। सेक्शन 13 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट वेयर ए पीपल प्रोवाइड अ लेबर और अ सर्विस टू अनदर फॉर द रिम्यूनरेशन विच इज़ लेस देन द मिनिमम वेजेस, द लेबर और द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम क्लियरली फॉल विद इन द स्कोप एंड द एम्बिट ऑफ द वर्ड फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 20। ऑप्शन था आपका अमानी मेटल एंड एलॉय लिमिटेड वर्सेज देयर वर्कर, पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस अदर एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, या विजय कॉटन मिल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कर्स एंड अदर। 144th का सही आंसर रहेगा बी, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर, बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए 145th क्वेश्चन में हम विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ लेबर। ऑप्शन था आपका आर्टिकल 39, 39A, 43 या 43A। 145 का सही आंसर रहेगा आर्टिकल 39A। ठीक है। 146 क्वेश्चन है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2017 टू। ऑप्शन था आपका इंक्रीज द पेड मैटरनिटी लीव फॉर द वुमेन वर्कर from 12 to 26 week, ensure mandatory catch facility in all established having 50 or more worker, only A या both A or B। 146 का सही आंसर रहेगा both A and B। ठीक है। चलिए how many labor law has been codified in the four labor code 26, 27, 28, 29। सही इसका आंसर रहेगा 29। D 29 इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द कोड ऑफ द वेजेस व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिडक्शन अलाउ फॉर वन मंथ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ऑप्शन दिया हुआ था इन सभी में से, इसका सही आंसर बनेगा सी, मैक्सिमम 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, मैक्सिमम 50% ऑफ सैलरी इसका सही आंसर रहेगा। 149 क्वेश्चन है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 डज नॉट अप्लाई। ऑप्शन दिया हुआ था टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट बीन फैक्ट्री माइंस प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। ऑप्शन बी था टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट वेयर इन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन एक्रोबैटिक एंड अदर परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी था टू एनी फैक्ट्री एंड द अदर एस्टैब्लिशमेंट टू विच द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाइड फॉर टाइम बीन। ऑप्शन डी था टू एवरी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीन इन फोर्स रिलेटेड टू द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट इन स्टेट इन विच 10 और मोर पीपल्स आर एम्प्लॉयड एंड वेर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। ठीक है, ये देखा जाए तो 149 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इसका सही आंसर रहेगा सी, टू एनी फैक्ट्री और द एस्टैब्लिशमेंट टू विच द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाई फॉर अ टाइम बीन, सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। ऑप्शन दिया हुआ था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946। सही इसका आंसर रहेगा सी, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, तो लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था कल के रोज, जितने भी क्वेश्चन था हमने एक मॉडल आंसर देने का प्रयास किया है। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।